नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुरभि भावसर। देश में बढ़ रही रेप की घटनाओं पर आज ईवा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने फेमिनिज्म इन इंडिया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इसमें कई महिलाओं से हम बातचीत करते हैं कि रेप की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए उनका क्या कहना है। आइए कुछ महिलाओं से चर्चा करते हैं। जैसा पिछले दिनों में हमने देखा कि भोपाल में 2 रेप केस हो चुके, छोटी छोटी बच्चियों को शिकार बनाया गया है, तो उस पर प्रशासन और राज्य सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे ये रेप केस कम हो सके। मेरा ये कहना है कि राज्यसभा और इन विधानसभा में जो नए नए केस चलते हैं हमारे देश को लेकर, इस तरह बलात्कार के केस, रेप के केस भी उठाने चाहिए जिससे कि आने वाले समय में ये चीज़ें ना हो। और हमारी सरकार से मैं ये कहती हूँ कि जो एक केस होता है दूसरा केस होता है ख़त्म होता आगे, पहला केस ख़त्म होता है उसके पहले दूसरा केस आ जाता है। तो हम चाहते हैं कि जब भी ये केस होते हैं तो एक हफ्ते के अंदर सजा हो जानी चाहिए। और हर स्कूल में जिस तरह छोटी छोटी संस्थाएं लड़कियों को अवेयरनेस करती हैं कि बैड हैबिट गुड हैबिट होना चाहिए या हमें अपने आप को सेफ कैसे करना चाहिए, वैसे ही हर बॉयज़ के स्कूल में जाके एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए, संस्था बनानी चाहिए कि वो उन्हें बाय उन जो कहते हैं नर्सरी से लेकर 12th तक के हर बच्चे को इस चीज़ें एजुकेटेड करें कि माँ बहन बेटी को हमें किस तरह देखना चाहिए, उनसे क्या व्यवहार करना चाहिए। अगर बचपन से ही हम बच्चों को संस्कार अच्छे दें तो शायद आने वाले समय में हमारे यहाँ इस तरह के हादसे कभी ना हो। घटना दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है विपरीत परिस्थितियों में, लेकिन सतर्कता बनाए रखना और होशियारी रखना ये लड़कियों को बहुत ज़रूरी है समझना। मेन चीज़ वो है। मैं चाहती हूँ सरकार का जो बेसिक कंसंट्रेशन है वो लड़कियों की बेसिक एजुकेशन, मतलब डे वन से जब वो स्कूल जाना शुरू करती हैं तब से स्टार्ट होना चाहिए। एक फ़िज़िकल ट्रेनिंग प्रोग्राम कंपलसरी करना चाहिए जिसमें उनको डे वन से ही फिज़िकल अपनी सुरक्षा कैसे करनी है वो अवेयर कराया जाए, जिसमें कराटे आ गए, उनकी जो भी फिज़िकल सुरक्षा से रिलेटेड ट्रेनिंग है वो सब उन्हें स्कूल टाइम से मिलेगी, तो तब जाके वो कहीं बड़ी होने तक थोड़ा सा स्ट्रांग बनेगी। हम एक लेवल पे आने के बाद किसी महिला को बोलते हैं कि नहीं अब आपको ये सीखना है तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। किसी के लिए भी एक पर्टिकुलर एज क्रॉस कर देने के बाद नहीं मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है कि वो उसके बाद वो सब चीज़ें सीखें। आपकी जो घबराहट है और वो सब वो आपका स्कूल टाइम जो स्कूल पीरियड है वहाँ से जाएगी। इसके साथ ही लड़कों को भी सेम चीज़ की तालीम देनी चाहिए स्कूल में भी और घरों में भी। जितना हम लड़कियों के लिए बोलते हैं कि उनको ड्रेसिंग प्रॉपर करनी चाहिए, थोड़ा सा पर्दे में रहना चाहिए, तो लड़कों को सबसे पहले यही तालीम देनी चाहिए कि उनको भी अपनी नज़रें झुका कर रखनी चाहिए, प्रॉपर रखनी चाहिए। सरकार को बेसिक कदम यही उठाना चाहिए कि स्कूल में एजुकेशन का प्रॉपर ध्यान दें। और दूसरा नशाबंदी, नशाबंदी तो मेन है। नशाबंदी रुकेगी तो मैक्सिमम 50% केसेस ही वाले रुकेंगे। हर लड़कियां सुरक्षित नहीं है, घर के बाहर लड़कियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन कुछ केस तो ऐसे ही हैं जो घर ही में हो जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, रिश्तों में एक मर्यादा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मनोविज्ञान कहता है स्पर्श एक ऐसी चीज़ है जिससे, मतलब आप मन तक कोई भी चीज़ एक स्पर्श से पहुंचती है। तो हम अगर किसी भी रिश्ते में हैं, आप किसी घर की, मैं इन फैमिली बात कर रही हूँ, तो आपको एक महीन रिश्तों में रेखा होती है, उस रेखा को कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। उससे ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि रुकेंगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।